जोशीमठ में कुछ दिन पहले ही भूस्खलन की घटना हुई है, जिसमें जमीन सरकने से सैकड़ों घरों, होटलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में दरारें पड़ गई है। इस स्थिति के उपरांत वहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्र सरकार हालातों पर नजर बनाए हुए है। इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ जोशीमठ के हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने जोशीमठ मामले पर पीएमओ को बताया कि भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जोशीमठ मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्थिति का जायजा लिया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ लघु मध्यम एवं दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की चार टीमें पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बताया गया है कि अब तक 603 मकानों में दरारें आई हैं। इससे प्रभावित 68 परिवारों को अब तक निकाला गया है। हालांकि सचिव आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 88 परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सचिव ने कहा कि देश के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम भूस्खलन के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके कारणों का पता लगने पर जो भी ट्रीटमेंट आवश्यक होगा वो यहाँ पर किया जाएगा। तात्कालिक रूप से नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है। स्थानीय प्रशासन इसके लिए लगातार काम कर रही है।